मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की कृपा से यूपी की ये लड़की बनी है टीचर। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। एक ओर जहां बिहार सरकार पर विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है, विपक्ष का कहना है कि ये सरकार घोटाले कर रही है, शिक्षक भर्ती में लैंड फॉर जॉब यानी कि जमीन के बदले नौकरी देने वाले तरह की घोटाले यहाँ पर भी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार से यूपी के ये माता पिता काफी ज्यादा खुश हैं। बिहार में हाल ही में बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर राजनीति तेज है। इस बीच खबर है कि यूपी के बीजेपी प्रवक्ता एस एन सिंह की बेटी ने भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पास की है और अब वो बिहार की टीचर बन गई है। एस एन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। साथ ही साथ राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आरजेडी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की कृपा से यूपी के बीजेपी के प्रवक्ता की बेटी को बिहार में नौकरी मिली है। सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बेटी के एक फोटो के साथ ये पोस्ट शेयर की। इसमें उन्होंने लिखा कि मां वैष्णो देवी की कृपा से छोटी बेटी शिखा सिंह का चयन बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित स्कूल शिक्षक के पद पर हुआ है। आरजेडी के आधिकारिक हैंडल से एस एन सिंह के पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी। आरजेडी ने लिखा, हे यूपी बीजेपी ने प्रवक्ता, आपकी बेटी का बिहार में निष्पक्ष चयन स्नातक मूलक राजनीति और समावेशी विकास की प्राण न्यायप्रिय समाजवादी सरकार के रहनुमा नीतीश कुमार और नौकरी रोजगार के मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श बनाने वाले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की उच्च सोच और कृपा से हुआ है। बिहार में पिछले दिनों शिक्षकों के 1,70,000 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई। हाल ही में इसका रिजल्ट जारी हुआ। इसमें 1,22,000 अभ्यर्थी पास हुए। इससे पहले नीतीश सरकार ने शिक्षक बहाली नियमावली में बदलाव करके दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स के लिए भी ये बहाली का रास्ता खोला था, जिसके बाद बड़ी संख्या में पड़ोसी राज्य यूपी, एमपी और झारखंड के उम्मीदवारों ने बीएसएससी शिक्षक बहाली की परीक्षा में हिस्सा लिया। कई इसमें पास भी हुए। तो वहीं ये यूपी के बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इनकी बेटी ने भी बीपीएससी शिक्षक बहाली की परीक्षा दी थी बिहार में और सफल हुई हैं। और इस सफलता को लेकर उन्होंने अपनी बेटी के साथ अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसे रिपोस्ट आरजेडी की तरफ से किया गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर्मेशन।